हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के रमन आपका स्वागत करता हूं राठौड़ आईएएस अकेडमी में। फ्रेंड्स, कल की या पिछली क्लासेस में हमने 1857 के विद्रोह के बाद कुछ जो मुख्य प्रशासनिक नीतियां भारतीयों के प्रति ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनाई थी उसके बारे में पढ़ा था। कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ा था कि कांग्रेस को किस प्रकार से एक्सेप्टिव वर्ग के रूप में या एक क्रमिक विकास के रूप में माना गया। इसके बाद उसी से जो मिलता जुलता टॉपिक है, यानी कि लगभग 1870-80 के दशक के बाद से जो भारत में एक नई लहर, एक जिसको कि राष्ट्रवाद के रूप में जानते हैं, वो राष्ट्रवाद का रूप या नेशनलिज्म का जो विकास हुआ, उस नेशनलिज्म के विकास में भी दो मत या स्वरूप उभर करके सामने आए। और उस नेशनलिज्म की फीलिंग्स के अंदर, एक राष्ट्रवाद की फीलिंग्स के अंदर, जो भारतीयों ने धीरे धीरे ब्रिटिश शासक के प्रति विरोध के रूप में, उसके बढ़ते हुए विरोध के रूप में, एक जो कॉमन फीलिंग की भावना भारतीयों के अंदर अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उनके आपस में एक होने के प्रति जो एक भावना थी, जिसको राष्ट्रवाद का नाम दिया गया, उस राष्ट्रवाद को लेकर के भी दो प्रकार की मत या दो प्रकार की जो उसमें धाराएं हैं, विचारधाराएं हैं, वो उभर करके सामने आई। और जो पहले प्रारंभिक दौर की जो राष्ट्रवाद की धारणा थी, जिसको कि हमने मॉडरेट नेशनलिज्म का नाम दिया, और बाद वाली जो धारणा थी जो 1905 और 8 के बाद से जो लगभग 1918-20 के दशक के आसपास तक जो चलती है, उसको हम गर्म या लघु राष्ट्रवाद की धारणा कहते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडरेट नेशनलिज्म के बारे में या नरम राष्ट्रवाद के बारे में। कांग्रेस में जो कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 को, उसमें कांग्रेस पर लगभग सभी मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी जो वर्ग के जो राजनीतिक कार्यकर्ता या हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, इन राष्ट्रीय नेताओं का वर्चस्व था। और 1885 से लेकर के 1905 तक लगभग इन 20 वर्षों के दौरान कांग्रेस पर पूर्ण रूप से जो है मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी जो लोग थे उनका, या कहिए आप राष्ट्रीय नेता थे, जो उन राष्ट्रीय नेताओं का कांग्रेस पर वर्चस्व था। और इसी के अनुसार कांग्रेस की जो नीतियां थी वो मॉडरेट थी, रेडिकल नहीं थी, यानी कि उन्होंने अचानक कोई उग्र परिवर्तनवादी नीतियां नहीं अपनाई, क्रांतिकारी नीतियां नहीं अपनाई, बल्कि एक मॉडरेट, एक नरम संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम की नीति अपनाई। ब्रिटिश गवर्नमेंट तक अपनी बात कहने के लिए उन्होंने हमेशा संवैधानिक उपायों का रास्ता लिया और एक शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखी। तो इस शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखने वाली विचारधारा को हमने नाम दिया नरम राष्ट्रवाद या मॉडरेट नेशनलिज्म। जो मॉडरेट नेशनलिस्ट हमारे जो नेता थे, उनका जो आइडियोलॉजी थी या काम करने का जो तरीका था, उनका तरीका था कि क्रमशः सुधार की नीति में विश्वास। वो एकदम से आमूलचूल परिवर्तन नहीं चाहते थे, बल्कि धीरे धीरे ग्रेजुअल रिफॉर्म्स चाहते थे। और इसलिए उन्होंने व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हुए कभी भी बहुत ऊंची मांगे नहीं रखी। उन्हें भय था कि कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी मांगों को दरकिनार न कर दे या दोबारा से दमन की प्रक्रिया शुरू न कर दे। इस दमन की प्रक्रिया से बचने के लिए और उनकी विरोध की नीति से बचने के लिए उन्होंने हमेशा व्यावहारिक तरीका अपनाया, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र था या हमारे जो नेशनल जो रिसोर्स थे, हमारे जो यहाँ की राष्ट्रीय जनता थी, आम जन के पास, हमारे पास उतने उच्च टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज किसी भी प्रकार से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट सीधे रूप से सामना कर सकते, हमारे पास नहीं थे। चाहे वो युद्ध के रूप में, हथियारों के रूप में हो, या आर्थिक रिसोर्सेज के रूप में हो, या किसी प्रकार के दूसरे वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के रूप में हो, तो हमारी सब एक सीमाओं के कारण हमारे जो बुद्धिजीवी नेता थे उन्होंने एक व्यावहारिक नजरिया अपनाते हुए डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट से विरोध की नीति को अवॉइड करते हुए, उससे बचते हुए उन्होंने एक व्यावहारिक नीति अपनाई। और इस व्यावहारिक नीति के अनुसार उन्होंने हमेशा क्रमशः सुधार की नीति में विश्वास रखा। इसके जो प्रमुख मांगे थी, इन नेताओं ने जो प्रमुख मांगे हैं जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी, उस प्रमुख मांगों में थी कि विधायी परिषदों का जो विस्तार किया जाए और उनकी शक्ति को बढ़ाया जाए। जो भी विधायी परिषद हमारे पास थी उस समय के दौरान, उनकी विधायी परिषदों का विस्तार किया जाए, उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए और उनकी शक्ति को बढ़ाया जाए, सबसे प्रमुख मांग होती थी हमारे ये नरम दल के नेताओं के। इसके अलावा उनकी दूसरी मांग थी कि विधायी परिषदों में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या में कम प्रतिनिधित्व होने के कारण जब
सरकार में या इन विधायी परिषदों में जो भी बहुमत से प्रस्ताव पास होते थे उसमें आमतौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का या वहां की शासन की नीतियों का ही एक निर्घुस प्रभाव उस पर रहता था और आम जन प्रतिनिधित्व की कमी होने के कारण वो आम जन भावनाओं की अभिव्यक्ति को नहीं करते थे। तो इसलिए हमारे जो मॉडरेट जो नेशनल लीडर थे उन्होंने चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाने की मांग की ताकि विधायिका के द्वारा विधायी परिषद के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए जाएं उसको वास्तव में एक जन भावनाओं की अभिव्यक्ति कहा जाए। इसके अलावा लोक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा जो हमारी थी उसके लिए इन्होंने सबसे पहली मांग ये की कि उसकी जो परीक्षा है वो इंडिया और इंग्लैंड दोनों में हो, क्योंकि पहली बार परीक्षा केवल इंग्लैंड में होती थी और भारतीयों को यहां से परीक्षा देने जाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा जब ब्रिटिश वायसराय लिटन ने इसकी जो मैक्सिमम या अधिकतम आयु है वो 23 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दी थी तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने इसकी आयु सीमा को बढ़ाने के लिए भी मांग की ताकि भारतीय भी उसमें अपना प्रतिनिधित्व देश के और भारतीयों के लिए लोक सेवा प्रतियोगिता के उच्च पदों के लिए जिम्मेदार पदों के लिए जो रास्ते खुले। इसके अलावा नमक कर को हटाना और न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना भी उनकी मांगों में शामिल होता था। तो ये कुछ प्रमुख मांगे थी जो मॉडरेट नेशनलिस्ट के द्वारा उठाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध या उनके सामने। इसकी जो कार्य पद्धति होती थी उनका प्रचार कार्य किस प्रकार के होता था, आमतौर पर हमारे जो मॉडरेट नेता थे वो ये मानते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानकारी के अभाव में हमारे यहाँ पर जो कुछ भी प्रशासन की तरफ से कुछ कमियां रह जाती हैं उसका मुख्य कारण है कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है या ब्रिटिश जो राजा है राजशाही है या राजा के जो प्रतिनिधि हैं मंत्री हैं और वहां की जो जनता है वो भारतीय स्थिति से वाकिफ नहीं है, इसलिए वहां की जो राजा है या राजा की जो मंत्री परिषद है उसको और वहां की जनता को भारत की स्थिति से अवगत कराया जाए। इसलिए हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने इंग्लैंड में प्रचार को अधिक प्राथमिकता दी और वहां की जनता को वहां के राजा को वहां के उनकी परिषदों को उनके मंत्रियों को भारत की स्थिति से अवगत कराने के लिए उन्होंने कोशिश की। इसी प्रयास में उन्होंने इंग्लैंड में एक इंडिया नामक समाचार पत्र भी निकाला और इस कार्य करने वाले जो मुख्य हमारे नेता थे उन मुख्य मुख्य नाम है दादा भाई नारोजी, एओ ह्यूम जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे, जॉर्ज यूल ये भी ब्रिटिश अधिकारी थे लेकिन बहुत उदारवादी थे दोनों। तो इन्होंने भी दादा भाई नारोजी के साथ मिलकर के भारतीयों की स्थिति से अवगत कराने के लिए ब्रिटिश जनमानस को जो है अवेयर करने की कोशिश की थी। अब इनकी कार्य पद्धति क्या होती थी कि कैसे अपने काम को अपने बातों को मनवाने के लिए जो अपने मेथड अपनाते थे उनके मेथड ऑफ वेज क्या होते थे। ये सबसे पहले जो क्रमिक सुधार में जो है वो विश्वास रखते थे। दूसरी बात, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की या अंग्रेजों की न्यायप्रियता में बहुत विश्वास था। वो मानते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनकी जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो जुडिशियल हैं और जुडिशियल होने नेचर होने के कारण उनकी न्यायप्रियता के कारण यदि उनको भारतीय की स्थिति से अवगत करवाया जाए तो हो सकता है कि वो भारतीयों की स्थिति को समझे और उसके अनुसार उनको कार्य करने के लिए उनकी स्थिति को सुधारने के लिए वो कार्य करें। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए ही या एक सब शासन के रूप में अपने स्थानीय जो डे टू डे लाइफ के कार्य थे या जो छोटे छोटे हमारे जो एक ऑटोनॉमी की जो कार्य थे उसके लिए इन्होंने सब शासन की मांग की, पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंसी की स्वतंत्रता की मांग इन्होंने नहीं की बल्कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहते हुए ही सब शासन की मांग इन्होंने की। ये डायरेक्ट रूप से स्वतंत्रता की मांग इसलिए नहीं कर सके थे क्योंकि उस टाइम पर हमारा जनमानस या हमारे रिसोर्सेज उतने लेवल के नहीं थे कि हम उस टाइम पर विश्व के सबसे शक्तिशाली देश इंग्लैंड का सामना कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने व्यवहारिक नजरिया अपनाते हुए सब शासन की मांग की और डायरेक्ट स्वतंत्रता की मांग इन्होंने नहीं की थी। इसके अलावा ये प्रार्थना पत्र के द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा, सर्कुलर्स के द्वारा, समर्थित पत्र के द्वारा या अपने डेलीगेट्स भेज करके जो प्रतिनिधि मंडल के द्वारा बातचीत करके ये उनके कार्य प्रणाली में शामिल होते थे। तो ये इनके मुख्य मुख्य मेथड्स थे, कार्य प्रणाली थी, वेज थे जिसके माध्यम से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट तक अपनी बात रखते थे। इसके अलावा इनकी जो मुख्य उपलब्धियां थी, इनकी जो अचीवमेंट क्या हुई, क्या ये अपने मकसद में पूर्ण रूप से सफल हुए या किस हद तक ये सफल हुए, इनकी जो मुख्य उपलब्धि थी वो सबसे बड़ी जो उपलब्धि इसको मांग सकते हैं वो था व्यापक जन चेतना को अवेयर करना। इनके कार्यों के कारण हमारा जो भारतीय जनमानस था, जो आम आदमी था, वो अपने अधिकारों के प्रति अपनी स्थिति के प्रति अवेयर हुआ और इस प्रकार से ये एक राष्ट्रीय लेवल पर एक राष्ट्रीय जन चेतना के रूप में एक जनमानस की चेतना को अवेयर करने में, जागरूक करने में कामयाब हुए। इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का
यहाँ पर जो एक शोषक चरित्र था, जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय किसानों का, यहाँ के मजदूरों का, आम आदमी का उन्होंने आर्थिक रूप से शोषण किया, उसके शोषक चरित्र को इन्होंने उजागर किया। इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए लोगों की राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। राष्ट्रीयता की भावना के साथ लोगों को राजनीतिक शिक्षा के लिए, उनको राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए, एक जनमानस के द्वारा उनको एक राजनीतिक रूप से अवेयर करने के लिए एक राजनीतिक शिक्षा और प्रशिक्षण का कार्य भी इन्होंने किया। इसकी एक जो बड़ी मुख्य अचीवमेंट थी वो थी 1892 का 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों की सुधार की प्रक्रिया के रूप में, एक वैधानिक प्रक्रिया के रूप में, एक एक्ट की प्रक्रिया के रूप में एक नियम बना करके कुछ सुधार करने की कोशिश किया था। ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अपने आप में, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उस प्रकार से विधायक कार्यों के द्वारा, किसी एक्ट के द्वारा स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं की गई थी। इसके अलावा इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। धन निष्कासन के सिद्धांत से इन्होंने बताया कि किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय जो धन की निकासी करके यहां से वेल्थ को, संपत्ति को लूट करके इन्होंने इंग्लैंड में उस संपत्ति को भेज दिया और उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिला। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो चरित्र था और पिछले जो आक्रमणकारी या जो लुटेरे या जो भी विदेशी मतलब आक्रमणता थे उसमें और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर, एक चरित्र में अंतर था कि जो दूसरे प्रारंभिक पुराने जो भी लुटेरे या विदेशी आक्रमणकारी या विदेशी शासक थे वो यहाँ आकर के यहीं के बन करके रह गए और यहाँ से लूट करके उन्होंने कुछ दूसरी चीज बाहरी देश में नहीं भेजी थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा एक व्यापारी के रूप में ही यहाँ पर रही, एक कंपनी के रूप में ही रही और उन्होंने यहाँ से वेतन के रूप में, व्यापार शुल्क के रूप में, दूसरी टैक्स के रूप में यहाँ से बहुत सा धन जो है इंग्लैंड भेजा, जिससे कि भारतीयों में उस धन के बदले में कुछ प्राप्ति नहीं हो पाई और भारतीयों की जो गरीबी है और उसका जो शोषण है वो वस्तुतः जारी रहा। तो फ्रेंड्स, ये इनकी कुछ कुछ मुख्य जो अचीवमेंट थी, उपलब्धियां थी जिन्होंने उस समय के तात्कालिक दौर के दौरान इनको बहुत बड़ी उपलब्धियां माना गया था, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी रही। इनकी जो लिमिटेशन थी वो क्या क्या लिमिटेशन थी, ये अपने आप में जो पूर्ण रूप से कोई इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत सुधार प्राप्त नहीं कर पाए। यद्यपि इन्होंने कोई डायरेक्ट रूप से क्रांतिकारी जो मेथड्स हैं, आंदोलन है वो नहीं अपनाया, इसके बावजूद इन्होंने कोई भी उस प्रकार से कोई बहुत बड़ी मतलब जो अचीवमेंट जिसको कि हमें कह सकें एक संधारित सुधार के रूप में या स्वशासन के रूप में या किसी बड़ी मतलब एक रियायत के रूप में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से प्राप्त नहीं कर पाए थे। लेकिन निष्कर्ष के तौर पर यदि हम इनकी उपलब्धियों को गिने एक निष्कर्ष के रूप में तो हम कह सकते हैं कि यद्यपि इन्होंने गंभीरता पूर्वक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाया, स्वतंत्रता की मांग नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी, एक ऐसी बैकग्राउंड तैयार की जिससे कि आने वाले समय में हमारी राष्ट्रीय चेतना को, एक आम जनमानस की राष्ट्रीय चेतना को इन्होंने उजागर करने में, उसको जागरूक करने में बड़ा मतलब महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। इसके अलावा इन्होंने राजनीतिक कार्यकलापों का आम आदमी को एक प्रशिक्षण दिया, आम आदमी को इन्होंने अवेयर किया किस प्रकार से एक राजनीतिक कार्यों के द्वारा, एक संगठित कार्यों के द्वारा हम ब्रिटिश गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और उनसे हम कुछ न कुछ सुधार करने के लिए उनको मजबूर कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिश शासन की जो बुराइयां थी उनका पर्दाफाश किया कि किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ के लोगों पर अत्याचार करती है, उनका शोषण करती है, उनके जो शोषक चरित्र है उसको उजागर किया। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे मॉडरेट नेशनलिस्ट थे या मॉडर्न हमारा जो मॉडरेट नेशनलिज्म था उस दौर में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, इसको यद्यपि एक बहुत बड़ी माइलस्टोन, बड़ी अचीवमेंट नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एक ऐसी पृष्ठभूमि अवश्य तैयार कर दी कि जिसके आधार पर आगे आने वाले हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत बड़े आंदोलन चले और जिसका परिणाम अंततः 1947 में एक स्वतंत्र प्राप्ति के रूप में भारतीय लोगों को मिला। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यही था। थैंक यू, धन्यवाद।